और दिन में तो बहुत रश होता है यहाँ पे। इस साइड में जो है स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, ये होटल है। और गाइस ये देखिए हमारे भाई लोग भी रात में विजिट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई घूमते हुए? कैसा लग रहा है घूमते हुए? अच्छा लग रहा है ना? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय व्लॉग। गाइस आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ बरेली का एक बहुत पॉश एरिया जिसको बोलते हैं राजेंद्र नगर। यहाँ नाइट में कैसा लगता है ये आपको दिखाने वाला हूँ। बरेली की नाक बोला जाता है, ये एरिया सबसे पॉश एरियो में आता है। यहाँ पे आपको अच्छे से अच्छे रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, स्ट्रीट फूड मिल जाएंगे, मंदिर मिल जाएंगे। सो गाइस चलते हैं राजेंद्र नगर और आपको दिखाता हूँ कि राजेंद्र नगर कैसा दिखता है रात में। और गाइस बिना स्किप करे इस वीडियो को देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये है झूलेलाल द्वार, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ब्लॉग। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं कि राजेंद्र नगर कैसा दिखता है रात में। यहाँ पे जो लाइट्स लगी हुई हैं ये बहुत अमेजिंग है गाइस, आपको मज़ा आने वाला है। और ये जो रोड है इसको बोलते हैं के वाला रोड। यहाँ पे के हॉस्पिटल है जो बहुत फेमस है। गाइस आप जब भी बरेली आए और राजेंद्र नगर ना आए, ऐसा करेंगे तो आपको मज़ा नहीं आएगा बिल्कुल भी। आपको बहुत मज़ा आएगा अगर आप राजेंद्र नगर में नाइट में घूमेंगे। देखिए गाइस यहाँ पे जो रात में कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे दिवाली हो रखी है। बहुत मज़ा आने वाला है। रोड थोड़ा शांत हो गया है, 10-11 बज चुके हैं लगभग, और दिन में तो बहुत रश होता है यहाँ पे। इस साइड में जो है स्ट्रीट फूड की दुकानें हैं, ये होटल है, बहुत फेमस होटल है यहाँ का, गीत होटल। देखिए गाइस ये गीत होटल है और बहुत मज़ा आएगा आपको जब आप बरेली में राजेंद्र नगर में घूमेंगे। इस गीत होटल को देखिए और चलते हैं आगे। इस साइड में मकान बने हुए हैं, छोटे छोटे मकान जो बहुत खूबसूरत है। गाइस ये देखिए लाइट्स जो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव है यहाँ पे, वो लाइट्स हैं जो ये पोल पे लाइट लगी हुई है। साथ में ऊपर तो लगी ही लगी है, नीचे से स्टार्ट हुई है लाइट्स। और देखिए गाइस ये फोकस हेल्थ केयर नाम से एक हॉस्पिटल है, बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छा बना हुआ है। बरेली में सबसे ज़्यादा होटल्स और हॉस्पिटल्स मिलेंगे आपके लिए। ये गैलेक्सी ये होटल है, बहुत अमेजिंग होटल है। देखिए गाइस कितना सुंदर होटल बना हुआ है और यह अल्फा डायग्नोस्टिक बना हुआ है। सो गाइस बरेली में आपको हॉस्पिटल्स अच्छे मिलेंगे, होटल्स अच्छे मिलेंगे और रात में घूमने में आपको बहुत मज़ा आएगा। गाइस देखिए मैं रात में घूम रहा हूँ आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। देखिए गाइस कितना मज़ा आएगा। ये साथ ही साथ देखिए एक से एक अच्छे घर हैं यहाँ पे। देखिए गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे रात में घूमते हुए। आप जब भी बरेली में आएँ और राजेंद्र नगर पे आएँ तो ये के वाला रोड रात में ज़रूर विजिट करें, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पे लग ही नहीं रहा है कि रात है, ऐसा लग रहा है दिन खिला हुआ है। यहाँ पे एक से एक अच्छे से अच्छे सुंदर सुंदर घर, देखिए बिल्डिंग बनी हुई है यहाँ पे अच्छी से अच्छी। ये देखिए गाइस इसीलिए इसको बरेली की नाक कहा जाता है, मतलब बरेली की शान, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा इलाका है, बहुत खूबसूरत इलाका है। एक ये देखिए गाइस, और आपको इतना अच्छा लगेगा यहाँ पे रात में घूमते हुए कि आपको कहीं और जाने का मन नहीं करेगा, मन करेगा कि घूमते ही रहें हम, क्योंकि बहुत सुकून मिलता है यहाँ पे। सारी मार्केट आपको मिलेगी यहाँ पे। ये तो के वाला रोड चल रहा है, के हॉस्पिटल वाला, इस रोड का नाम ही के हॉस्पिटल है, क्योंकि यहाँ पे के नाम से हॉस्पिटल है, जिसके वजह से इस रोड का नाम के हॉस्पिटल वाले रोड के नाम से के रोड पड़ गया। देखिए गाइस ये हॉस्पिटल है जिसके नाम से ये रोड का नाम के रोड पड़ा है। देखिए के हॉस्पिटल, गाइस ये है के हॉस्पिटल जहाँ से हम गुजर रहे हैं इसके सामने से। सो गाइस यहाँ तक देखिए आप लाइट्स, कितनी सुंदर लाइटें लगी हुई हैं, कितना अच्छा व्यू है यहाँ का गाइस। और दोस्तों यहाँ से हम टर्न लेने वाले हैं जो आगे एक चौराहा पड़ेगा उसके लिए। देखिए गाइस लाइट देखिए आप कितनी सुंदर, बहुत सुंदर एरिया है गाइज। आगे एक मंदिर पड़ने वाला है जो कि है बांके बिहारी मंदिर, बरेली का बहुत फेमस मंदिर है। यहाँ पर जब भी जन्माष्टमी होती है तो भीड़ का ठिकाना नहीं होता है, आपको यहाँ पर पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी, इतनी ज़्यादा भीड़ होती है इस रोड पर। देखिए स्ट्रीट फूड मिलेंगे आपको यहाँ पर अच्छे से अच्छे। देखिए गाइज ये देखिए अच्छे से अच्छे घर मिलेंगे देखने को, काफ़ी चौड़े चौड़े रोड हैं।
आराम से कार ड्राइव कर सकते हैं, बाइक से घूम सकते हैं और आप पैदल वॉक कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत अच्छा लगेगा आपके लिए। ये देखिए गाइस, एक से एक अच्छे रेस्टोरेंट बालाजी नाम से खुला हुआ है ये रेस्टोरेंट, इसमें मैं आ चुका हूँ एक बार और बहुत अमेजिंग फूड मिलता है यहाँ पे। गाइस ये है बांके बिहारी मंदिर, इसका मैंने जिक्र किया था अभी थोड़ी देर पहले। सो गाइस ये है, अभी बंद है, किस दिन आएंगे तो आपको पूरे दर्शन कराऊंगा यहाँ के मैं। ये बहुत फेमस मंदिर है यहाँ के, बांके बिहारी। तो चलते हैं आगे, अभी हम लोग बढ़ रहे हैं आगे के लिए। राजेंद्र नगर का जो मेन चौराहा है इसका नाम है शील चौराहा, बहुत फेमस है। अगर आप जब भी राजेंद्र नगर आएंगे और शील चौराहे पे आएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, मार्केट मिलेगी, स्ट्रीट फूड मिलेंगे एक से एक अच्छे, और शॉपिंग कर सकते हैं आप, यहाँ पे घूम सकते हैं, आप बोर नहीं होंगे, इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ, 100% आप बोर नहीं होंगे गाइस, आपको बहुत मज़ा आएगा। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, रात लगी नहीं रहा है कि रात में हम लोग 11 बजे घूम रहे हैं। देखिए गाइस ये यहाँ पे बी बाजार है, स्ट्रीट फूड देखिए गाइस कितने अच्छे अच्छे स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, ये कॉर्नर लगे हुए हैं, ये देखिए बहुत बढ़िया, एक से एक अच्छे कॉर्नर लगे हुए हैं। ये देखिए गाइस ये बी बाजार है यहाँ पे, और ये बहुत फेमस है यहाँ पे मोमोज हट, यहाँ का बहुत फेमस मोमोज मिलते हैं यहाँ पे, तड़का और मोमोज हट नाम से ये शॉप है, यहाँ पर भी आएंगे हम लोग बहुत जल्दी, अंदर से आपको विजिट कराने वाला हूँ। ये जनता मेडिकल है, बहुत फेमस है यहाँ पे गाइस, और ये है शील चौराहा, यहाँ पे पुलिस चौकी मिलेगी आपके लिए, हर समय आपकी सुविधा के लिए पुलिस तैनात है यहाँ पे। ये बहुत बड़ा चौराहा है और ये एक चौराहा है गाइस। अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे की तरफ, जो है ये मेन राजेंद्र नगर में घूम रहे हैं हम लोग गाइस। देखिए स्ट्रीट पे अभी मार्केट पूरा बंद हो चुका है, वरना यहाँ पर स्ट्रीट में बहुत सारे फूड्स के ढेर लगते हैं, यहाँ पे काफ़ी कॉर्नर लगते हैं, और रोड देख रहे हैं गाइस आप कितने बेहतरीन रोड हैं, मतलब ये लग ही नहीं रहा कि हम बरेली में घूम रहे हैं। देखिए गाइस कितनी बढ़िया सिटी है बरेली, देखिए एक से एक बेहतरीन आपको यहाँ पे घर मिलेंगे, रेस्टोरेंट मिलेंगे और रोड मिलेंगे। देखिए आप वॉक करने के लिए निकलते हैं पैदल, आपको बहुत मज़ा आएगा। ये देखिए गाइस बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे मुझे ब्लॉग शूट करते हुए, बिल्कुल अमेजिंग सी फीलिंग आ रही है। और देखिए गाइस यहाँ पे एक्स्ट्रा अच्छे रेस्टोरेंट मिलेंगे, देखिए फ्लैशबैक नाम से ये रेस्टोरेंट है, आगे एक और है। सो इस तरह से यहाँ पे रेस्टोरेंट मिलेंगे आपके लिए अच्छे से अच्छे। और गाइस ये देखिए अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन रही हैं यहाँ पे भी, खूब डेवलपिंग एरिया है ये, और यहाँ पे एक मंदिर पड़ेगा छोटा सा, नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन बहुत अच्छा मंदिर है, मेन राजेंद्र नगर में है। ये देखिए गाइस एक मंदिर ये है, ये ब्लॉग गाइस मैं शूट कर रहा हूँ बाइक पर। ये देखिए गाइस ये स्टूडियो 11 है, यहाँ का बहुत फेमस सलून है और नीट आश्रम नाम से ये बिल्डिंग है। अब हम लोग आ चुके हैं सिलेक्शन पॉइंट चौराहे पे, ये यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा है और ये बहुत फेमस चौराहा है यहाँ का। देखिए गाइस ये एक मंदिर है यहाँ पे और ये है सिलेक्शन पॉइंट चौराहा, यहाँ LIC की बिल्डिंग मिलेगी आपके लिए, और ये है सिलेक्शन पॉइंट चौराहा जो कि बहुत फेमस है यहाँ पे, क्वालिटी रेस्टोरेंट है यहाँ पे एक। देखिए गाइस ये पुलिस यहाँ पे हर समय तैनात है आपकी सेवा के लिए। और गाइस हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, यहाँ पर एक गीतांजलि नाम से स्टूडियो है, बहुत फेमस है यहाँ पे बरेली में, ये घनगौर नाम की एक स्वीट की शॉप है, बहुत अच्छी है, ये विशाल मेगा मार्ट में आपको यहीं मिल जाएगा, मतलब सारी आपको ब्रांडेड शॉप मिल जाएंगी यहाँ पे अच्छी से अच्छी। अभी ऑफ हो चुके हैं यहाँ पे, देखिए सारी मार्केट बंद हो चुका है क्योंकि हम लोग रात में 11 बजे घूम रहे हैं। और देखिए स्ट्रीट फूड गाइस, देखिए स्ट्रीट फूड के कॉर्नर सारे लगे हुए हैं, यहीं पर अभी KFC भी खुला है, ये एक गरम मसाला नाम से और मंगलम टावर नाम से एक रेस्टोरेंट है यहाँ पे, ये जीवन रेखा हॉस्पिटल है। फिर चलते हैं आगे की तरफ, यहीं पर एक KFC खुला है नया, ये देखिए गाइस ये KFC रेस्टोरेंट भी आपको यहीं मिल जाएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है बहुत फेमस GDPuram का, जो बहुत अमेजिंग है।
आपको 24 घंटे यहाँ पे सुविधा मिलेगी पेट्रोल की। और गाइस ये देखिए हमारे भाई लोग भी रात में वेट कर रहे हैं। कैसा लग रहा है भाई घूमते हुए? कैसा लग रहा है घूमते हुए? अच्छा लग रहा है ना? ओके, तो रात में गाइस यहाँ पे बहुत अच्छा लगता है, अमेजिंग लगता है। और साथ ही साथ गाइस देखिए यहाँ पे डीडीपुरम में ही एक डोमिनोज का पिज़्ज़ा हट है जहाँ आपको बहुत मज़ा आने वाला है। पिज़्ज़ा हट सॉरी आगे है, ये डोमिनोज है गाइस। पिज़्ज़ा के लिए आप यहाँ आ सकते हैं। भाई चैनल का नाम बता दो आप। विशाल ब्लॉग्स नाम से मेरा चैनल है गाइस जी। विशाल ब्लॉग, विशाल ब्लॉग। हाँ तो मिलते हैं गाइस वीडियो में। आज का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रहे हैं हम लोग। और सो आपने देखा राजेंद्र नगर। आई होप गाइज आपके लिए वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइज़।